वो पीछे भाभी छुप गई है पिलर के पीछे। पड़ेगा, पेट तो पालना है। ये गांव जो था ये बहुत बड़ा गांव था, उस दूसरे देश डिवाइड हो गए। अच्छा, ये लोग जो चले गए मतलब, तो ये फिर कब से बने हुए हैं? इनके घर बंजर हो गए हैं। इस बारे में मुझे नहीं पता, इस बारे में मैं कमेंट नहीं करना। अच्छा, तो ऊपर आर्मी से भी हमारी बात हो रही थी, तो वो भी पूरी प्लानिंग में लोग, तो उसको फिर काटा बेचारे को, तो वो रास्ते में दम तोड़ गया। ओह माय गॉड, अब हमें आदत हो गई है ना सर, क्योंकि जिस माहौल में इंसान रहता है। ट्रिपल एम ए, तो इतनी सारी एम ए कर ली आपने, तो अभी क्या इरादा है आगे? हाँ, बिजनेस जा सकते थे। आपका कोई रहता है वहाँ पे रिश्तेदार रिलेटिव? अगर ये सारे रिलेटिव ही थे जो चले। देखो यार, हम कहाँ खड़े हैं यार, पता नहीं आप देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो, लेकिन ये देखो यार पीछे घर, अलग ही दुनिया है यार, अलग ही दुनिया है। अंकुर भाई कहाँ आ गए हम? ये पता नहीं, रास्ता है आगे निकल का तो है भाई साहब, बिल्कुल ही। हम तो ऐसे गांव के अंदर हैं और यार कुछ दिख भी नहीं रहा ना यहाँ पे। ये आगे रास्ता कहाँ है, कुछ दिख रहा है? नहीं भाई यार, क्या करें तो किस ये 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 वो भाई कोई काम कर रहा है, आ जा उससे बात करेंगे। आ जा आ जा, ये आवाज़ें आ रही हैं, पीछे घर है शायद किसी का, और ये भाई यहाँ लगे हुए हैं काम पर। गुड मॉर्निंग भाई जान। मॉर्निंग, बहुत बढ़िया। सुबह हो गई आपकी, काम शुरू? काम शुरू हो गया। तो ये क्या पशुओं के लिए काट रहे हो? ये पशु के लिए काट रहे हैं। जी जी, क्या बात है, ताज़ा ताज़ा है। तो यहीं पीछे रहते हो आप हैं? जी जी। ये मक्का की खेती चल रही है अभी, कब तक बन जाएंगी छलियाँ ये? बस एक महीने के बाद काटेंगे हैं, और उसके बाद? उसके बाद बस इसको ये छिली निकालेंगे। नहीं, कहाँ बेचने का जाओगे आप, नीचे कहाँ? नहीं बेचते नहीं है, ये सिर्फ घर के लिए है। इतना तो इसको सुखा के आटा वगैरह ही बनता है ना, मक्की का आटा? नहीं, हाँ मक्की का आटा बनता है। अच्छा अच्छा, उसके बाद कौन सी फसल होगी यहाँ पे? जी इसके बाद कौन सी फसल होगी? कोई नहीं, बस इसमें एक फसल होती है। अच्छा, मक्का ही होता है सिर्फ? क्योंकि पानी नहीं है यहाँ पे, इस वजह से। इतनी बारिश होती है यार? नहीं बस, तो बारिश इसी सीजन में होती है, बहुत सीजन में होती नहीं। सर्दियों में तो बर्फ रहती है, इसमें कुछ नहीं कर पाते, इसमें कोई और नहीं बनता है। तो क्या नाम भाईजान आपका? मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद, हम आए दिल्ली से। जी सर। बचपन यहीं शुरू से ही रह रहे हो? जी जी, यही पैदा हुआ है। क्या बात है, कौन सा घर है आपका? ये वाला। ये वाला नहीं दिखाना, नहीं दिखाना, मना किया है। किसने मना किया? आंटी है, मना किया है? उन्होंने मना कर रखा है। अच्छा अच्छा, अरे नहीं दिखाए? अरे पूरी है, अब दिख भी नहीं रहे थे मेरे को। चलो दिखा रहा हूँ फिर आप पर पीछे। अरे कुछ अभी कपड़ा टाले। सोलर पैनल भी लगा हुआ है क्या? ब्यूटीफुल हाउस है यार। वो पीछे भाभी छुप गई है पिलर के पीछे। कह रही हमें मत दिखाओ। चलो जी कोई बात नहीं, क्या बात है। तो आप यहाँ, ये आपकी मिसेज हैं? नहीं नहीं नहीं, ये मेरी सिस्टर है। अच्छा बहन है। अच्छा बहन। अच्छा, अच्छा शादी नहीं हुई अभी आपकी? जी, जी जी। क्या बात है, अल्लाह की फजल से जवान हो अभी आप। क्या कर रहे, बस ये घर के काम में थोड़ा सा लगे रहते हैं। तो पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई आपकी? जी मैं सिविल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। सिविल इंजीनियरिंग? मैंने डिप्लोमा किया श्रीनगर से सिविल इंजीनियरिंग में। अच्छा अच्छा अच्छा। और मैं चंडीगढ़ में बीटेक कर रहा हूँ यार। तो अभी छुट्टियों पर आए हुए हो? जी जी। कौन सा सेमेस्टर चल रहा है? मेरा पाँचवा है सर। अच्छा, एक और रह गया बस? जी नहीं, कितने? आठ होते हैं। और मैंने सुना है, क्या नाम है, सिविल इंजीनियरिंग में भाई बहुत बैक लगती है। आई बैक लाख तो आते हैं सर, बैक लाख का बैक बुना था इंजीनियरिंग। नहीं तो बैक लाख अगर नहीं आएगा तो कैसे इंजीनियरिंग पूरा होगा? इंजीनियर जो है वो पुख्ता नहीं हो सकता। बैक लाग तो आते हैं, क्योंकि बैक लाग आएंगे फिर उसमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। सही बात है, सही बात है। तो क्या आपका क्या फ्यूचर प्लान क्या है? बस देखते हैं सर, क्योंकि बीटेक के बाद नौकरी तो यहाँ तो नौकरी मिलेगी नहीं, होती नहीं है। दिल्ली में भी नहीं है, बहुत कम है अब तो। नौकरी तो कहीं पर नहीं मिलती, अब देखते हैं कोई सिविल जॉब करेंगे। सिविल जॉब करोगे? किसी डिपार्टमेंट के साथ जाएंगे, दूसरे देश जाना पड़ेगा। हाँ अल्टीमेटली आपको बाहर ही जाना पड़ेगा, पेट तो पालना है। ऐसे है कि ये गांव जो था ये बहुत बड़ा गांव था। अच्छा अच्छा। फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कुछ लोग उस दूसरे देश डिवाइड हो गए। अच्छा अच्छा। चले गए,
हाँ ये पुराने, ये 90 में चले गए। अच्छा ये लोग जो चले गए मतलब, तो ये फिर कब के बने हुए हैं? इनके घर बंजर हो गए हैं, 90 से पहले ही बने होंगे सर, क्योंकि 90 में तो ये रह रहे थे इन घरों में। नदी पार कर लेते थे, नदी पार कर गए जी। तो मोहम्मद भाई एक बात बताओ कि ये जो 370 अभी हटाई गई है, कुछ का कुछ फायदा वायदा हुआ है, कुछ फर्क पड़ा है? इस बारे में मुझे नहीं पता, इस बारे में मैं कमेंट नहीं करना। अच्छा चलो कोई बात नहीं, जरूरी भी नहीं है, क्योंकि जैसे अब यहाँ तो लोग आ रहे हैं, धीरे धीरे टूरिज्म बढ़ेगा जी। तो आप यहाँ होम स्टे वगैरह शुरू करो ना, इंशाल्लाह करेंगे जब, क्योंकि इससे अच्छा बिजनेस कोई नहीं है। उसी तरह से यहाँ रोजगार चलेगा, एक दो साल में तो बढ़ जाएगा। अभी दो साल की कहानी है सिर्फ, जैसे जैसे यूट्यूबर आके यहाँ प्रमोट कर रहे हैं ना, की वजह से केरन को प्रमोट किया है। ऊपर आर्मी से भी हमारी बात हो रही थी, तो वो भी पूरी प्लानिंग में लोग आएंगे तो केरन की खूबसूरती जो है ये बहुत सुंदर गांव है। हम पूरा अंदर अंदर पता नहीं कहाँ कहाँ हो गया है। ब्यूटीफुल यार। तो ये हमारे मोहम्मद भाई थे जो सुबह सुबह लग गए मेहनत करने। तो यहाँ सांप वाप भी होते हैं? नहीं सांप इतने नहीं होते, इतने नहीं, नहीं कभी कभार मैंने एक दो बार ही देखा है। मक्का में होता है ना? नहीं होता, गन्ने के उसमें होता है, जहरीले होते हैं, दरिया की तरफ होते हैं। अच्छा उस साइड होते हैं, जहरीले तो होते हैं। नहीं कोई कोई होते नहीं जहरीले होते ना। नहीं आप जंगल की तरफ अगर आप देखेंगे, पिछली बार एक बंदा जंगल गया कुछ खाने के लिए, तो उसको फिर कांटा बेचारे को तो वो रास्ते ही में दम तोड़ गया। ओह माय गॉड, क्योंकि वो पहुंच नहीं पाया, उसको मेडिसिन नहीं मिल पाई है, फर्स्ट एड उसको नहीं मिली। तो अच्छा तो ये वहां से काट तो आ रहे हो अब हैं जी? जी वहां से। ये भी सही कैलोरी बर्न हो यार, हमने कश्मीर में कोई भी मोटा आदमी नहीं देखा। यहाँ जो है ना सर, ये काम काज में लगे रहते, अब जो खाया वो हो गया हजम। तो हाँ पहाड़ों पे वैसे भी मेहनत का काम ज़्यादा होता है ना, आपकी कैलोरी बहुत बर्न होती है। तो वैसे जिम वगैरह जाते हो? नहीं सर यहाँ जिम है नहीं। तो बीटेक आप कहाँ से कर रहे हो? चंडीगढ़ से? चंडीगढ़ से। तो वहाँ हॉस्टल में? नहीं सर रूम ले रखा है। अच्छा रूम ले रखा है, वो भी एक खर्चा है। बिल्कुल सर। तो वो तो अपने हॉस्टल में भी देना पड़ता है सर, हम 3-4 लड़के हैं जो रूम ले रखा है एक जगह पे, तो वहाँ पे हम बैठे। तो यहाँ यार कैसे, यहाँ तो नेटवर्क ही नहीं, तो कैसे चलता है? हम तो एक दिन में पागल हो गए बिना नेटवर्क के। अब हमें आदत हो गई है ना सर, क्योंकि जिस माहौल में इंसान रहता है उसी माहौल की उसको आदत हो जाती है, वरना यहाँ पहाड़ हैं चारों तरफ से, ना कुछ दिखता, ना गाड़ी, ना फोन, ना नेटवर्क। तो ये जो आपके हाथ में इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं अपनी जुबान में दराटी। दराती जी, ये पंजाबी का वर्ड है ना, तो दराती तो जी जी। पंजाबी आती है आपको? नहीं सर थोड़ी समझ आती है मुझे। अच्छा अच्छा, अब उतनी करनी नहीं आती ऐसे नीचे। मोहम्मद भाई दिखाओ ना जरा, थोड़ा सिखाओ मेरे को भी यार कैसे करते हो यार। हाथ नहीं काटते, हाथ पर हाथ वहीं से काटो बस। इसको ऐसे पकड़ना है आपने और बिल्कुल नीचे से? बिल्कुल नीचे से ऐसे करते जाओगे और ऐसे पकड़ते जाओगे जी जी। हाथ ही ना कट जाए साला। हाँ हाथ नहीं काटना चाहिए। ये मोहम्मद भाई सिखा रहे मुझे घास काटना। थोड़ा 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 दूर से लेना साले, पूरा तो है। तो इससे आपकी सफाई भी होती जाती है यहाँ पे ना यार? मैं खराब तो नहीं कर रहा आपका काम? नहीं, इसी तरह सीखेगा इंसान। सही बात है यार, जब सीखता है इंसान पहले उसको गलतियाँ होती। तो ये कितनी देर में दोबारा बड़ी हो जाएगी? ये सर बस अब काट दिया, अब ये नहीं बड़ी होगी, क्योंकि मक्की भी काटेंगे फिर उसको गाय खाती है। अच्छा अच्छा, क्या बात है भाई, तो बहुत खतरा। तो इसको धार भी लगाते होगे ना? जी जी धार गिर जाता होगा ये? नहीं गिरता नहीं है, तो नहीं गिरता है, खत्म होता जाता है ना? खत्म होता है। ठीक काट रहा हूँ मैं? ये ट्रिपल एम है। ट्रिपल एम है? अच्छा मतलब एक तरह से PhD। ट्रिपल एम है? एम ए इंग्लिश, एम ए सोशियोलॉजी, एम ए उर्दू। क्या बात है। तो इतनी सारी एम ए कर ली आपने, तो अभी क्या इरादा है? घर का काम अभी चल रहा। तो और भी करो एम एड करोगे? हाँ तो फिर। तो दोस्तों अभी हमें एक लोकल के घर, मोहम्मद भाई से काफ़ी देर हमारी बातें हुई, और ये है मोहम्मद भाई का घर, बहुत ही खूबसूरत घर है मोहम्मद भाई का। और मोहम्मद भाई बीटेक कर रहे हैं, 5th semester चंडीगढ़ से बीटेक कर रहे हैं। और अभी यहाँ आपने, ये इनका छोटा सा खेत है, मक्के की खेती चल रही है अभी यहाँ पर, और वो घास काट रहे थे। हमें यार, मैंने भी ट्राई किया पर मेरे से तो हो नहीं पाया। खैर जिसका काम उसी को साजे, दूजा करे तो पता नहीं ऐसा कुछ होता है। तो मोहम्मद भाई ने अब चाय के लिए बोला है और हमने भी बेशर्मों की तरह हाँ कर दी है। तो चलिए मोहम्मद भाई के साथ अब पीते हैं चाय। और यहाँ पे आ रही है मुर्गियों की आवाज़ें। कहाँ पर है वो ब्यूटीफुल घर? ब्यूटीफुल घर। ऊपर चले गए हो मोहम्मद भाई? कहाँ पर?
ये अभी हम जा रहे हैं ऊपर, ये चलेगा ऊपर हम, सीढ़ियाँ। कहाँ पर हो भाई लोग? अंकुर और ऊपर, चलो जी और ऊपर, ये लो जी, ये मोहम्मद भाई के घर जा रहे हैं। नहीं नहीं दिखाएंगे, नहीं किसी से, अंकुर बैठा होगा वहाँ पे। ये लो जी, शूज उतारने होते हैं यहाँ पे, क्योंकि सारा मैटिंग होता है ना, तो गंदा ना हो जाए कहीं। क्या तो दोस्तों, हम हैं मोहम्मद भाई के घर में, और इतने प्यारे लोग हैं यार, मैं बता ही नहीं सकता। जिस से भी हमने बात की है ना, वो कह रहा है भाईजान चाय पिए बगैर तो नहीं जाओगे आप। वो जो सामने पूरा पियो के दिख रहा है हमारा, मोहम्मद भाई कितना पुराना घर है आपका? ये सर 90 से पहले ही बना है। 90 से पहले बना, 85 कुछ, मतलब कुछ अलग कुछ नहीं किया आपने? नहीं, सेम लकड़ी अभी। क्या कौन सी लकड़ी होती है ये? इसका मुझे ये, अच्छा ये अभी आपको इसका वो क्या कहते हैं उर्दू में, इल्म नहीं है। इल्म नहीं है, थोड़ी थोड़ी उर्दू आती है मेरे को। बैठ आप नीचे। नहीं नहीं कोई बात। ये मोहम्मद भाई, इतना सारा ड्राई फ्रूट कौन खाएगा यार? ना ये हम पचा ही नहीं पाएंगे, दिल्ली वाले लोग। तो पूरा बचपन ही गुजारा है जी जी, यही पैदा हुए अब। खेलते तो है सर, जब ये मक्की वो चाहेगी तो हर जगह पे लग जाता है, कभी वॉलीबॉल। यार एक बात तो, मोहम्मद भाई इतना सारा मक्का क्या करो, क्या खाते हो? ये गाय खाती है सर। नहीं, छलियाँ जो होती हैं, छली निकालते हैं, फिर कोई वो छोटा गाय का बछड़ा होता है उसको खिला देते हैं, या मुर्गी को खिला देते हैं। तो अपने लिए जो अनाज है वो खरीदते हो आप? हाँ वो खरीदते हैं, चावल हम खरीदते, चावल चीनी दालें वाले जो भी है। यहाँ जो पहले पानी आता था पीछे से, फिर वो बहा के ले गया दलिया, तो फिर पानी नहीं आया, उसकी वजह से इस खेत में यही मक्की अब लगानी। ये आप इस पे रखो, ये दस्तरखान बोलते हैं ना इसको, ये है दस्तरखान। ये मोहम्मद भाई 10 दिन से हम यहीं घूम रहे हैं कश्मीर में जी सर, तो अब हम थोड़ा थोड़ा पता चल गया कि इसको क्या बोलते हैं जी जी। लो चेयर लो यार, अभी बैठो। तो आपकी चाय कहाँ? मैं अभी नहीं पीऊँगा सर, मैंने अभी पी चाय, हो गया बस। ये लोग फिर भागने लग गए, 90 में ही शिफ्ट कर गए। तो ट्रेंड्स आते हैं इधर, आ जाते थे पहले तो 90s में, तो आप बच्चे हो गए उस तब, तो 94 था तो अब ये हमने सुना है, सुना है। बता यार, घर घर वहीं के वहीं रह गए, और आप गए कभी इस तरफ? नहीं, वहाँ तो वहाँ पासपोर्ट की जरूरत है भाई, वहाँ तुम बिना वीज़ा के थोड़ी जा सकते हो। वही तो, वीज़ा से। हाँ वीज़ा से जा सकते हैं। तो आपका कोई रहता है वहाँ पर रिश्तेदार रिलेटिव वगैरह? अब ये सारे रिलेटिव ही थे जो चले, चाचा था वो। तो फ़ोन वोन पर कभी बात नहीं हुई? ये स्टार्टिंग से मुसलमानों जी जी जी, कश्मीर तो पूरा मुस्लिम ही पड़ा। नहीं नहीं, पहले पंडित भी थे ना? हाँ पंडित भी थे, वो श्रीनगर भी सिख भी हैं, अभी भी हैं। इस गांव में नहीं? नहीं इस गांव में नहीं, इस नीचे ही जी। तो ये थे हमारे मोहम्मद भाई, हम ऐसे ही इधर से गुजर रहे थे तो इनको देखा, अपने खेत में ये काम कर रहे थे, तो उनसे काफ़ी देर बातें हुई, और फिर उन्होंने चाय के लिए हमें ऑफ़र किया, और हमने उसी टाइम हाँ कर दिया, क्योंकि हम चाय के भूखे हैं सर हमारा तो। लेकिन इन्होंने चाय के अलावा भी और हमें मतलब काफ़ी नाश्ता पानी कराया, उसके लिए मोहम्मद भाई बिल्कुल थैंक यू वेरी मच। और ऊपर वाले चाहा तो आने वाले टाइम में यहाँ पर इतना टूरिज्म होगा ना कि आप संभलेगा नहीं, और वो दिन जल्दी आए, दुआ करते हैं हम। और अब मोहम्मद भाई को अलविदा करते हैं और जाते हैं अपने दोस्तों के पास जो ढूंढ रहे थे, बिना बताए वो निकले हुए यहाँ से। और आपकी बहन को भी थैंक यू वेरी मच, जिन्होंने बहुत अच्छी चाय बनाई, उनका शुक्रिया। तो दोस्तों, लेटेस्ट सूरत हाल ये है कि हम पहुंच गए हैं कोबरा। ये छोटा सा एरिया है, इसको कोबरा बोलते हैं, क्यों बोलते हैं आई डोंट नो। यहाँ से बहुत पास हो गया बेसिकली, ये देखो ये ऊपर होटल है पाकिस्तान के बड़े बड़े,
और कहते हैं कि अगर हम यहाँ ऊपर गांव से देखेंगे ना तो ये ऊपर जो है ना फ्लैट है सारा, और बहुत बड़ा गांव है ऊपर इनका। ये है बेसिकली नीलम वैली, और ये इंडिया के साइड में नहीं है, नीलम वैली पूरी पाकिस्तान में ही है, और हम हैं यहाँ पर।